ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों आज हम आपके सम्मुख लेकर के आए हैं राशिफल माह नवंबर का 12 राशियों का, जिसमें कि अभी आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में। लेकिन इससे पहले कि अगर आपको हम राशिफल बताएं तो वो किस प्रकार किस आधार पर तैयार हुआ है उसके विषय में भी आपको जानकारी हमारा देना कर्तव्य है, और यह भी बताना हमारा कर्तव्य है कि ये जो राशिफल है ये तैयार होता है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति के आपके साथ चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति गोचर में। तो वर्तमान में सूर्य जो कि तुला राशि में चल रहे हैं, अपनी नीच राशि है इनकी, ये यहाँ पर ये नीच अवस्था में है, लेकिन 16 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी अपनी शत्रु राशि कन्या में अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ संचार कर रहे हैं। इस राशि में इनका साथ बुध के साथ 6 नवंबर तक रहने वाला है, और 10 नवंबर को मित्रों ये अपनी सम राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि को छोड़ के, उससे निकल करके। बुध वर्तमान में अपनी उच्च एवं मूल त्रिकोण राशि कन्या में अपने सम ग्रह मंगल के साथ संचार कर रहे हैं, लेकिन 6 नवंबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे तथा 7 नवंबर को ये वक्री स्थिति में और अस्थित स्थिति में तुला राशि जो इनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश करेंगे, और 20 नवंबर को ये मार्गी होंगे। गुरु जो कि अभी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, ये 4 नवंबर को मित्रों अपनी स्वयं की जो राशि है इनकी धनु राशि उसमें इनका प्रवेश हो रहा है, और वहाँ पर इनका जो साथ है वो शनि और केतु ग्रहों के साथ रहने वाला है, उन्हीं के साथ ये संचार करेंगे अपनी राशि में। शुक्र वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में गुरु बृहस्पति के साथ संचार कर रहे हैं, लेकिन 21 नवंबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पर इनका साथ गुरु शनि और केतु के साथ रहने वाला है, उनके साथ ये संचार करेंगे इस राशि में धनु में। शनि ग्रह मार्गी और उदय अवस्था में अपनी सम राशि धनु में संचार करते रहेंगे मित्रों पूरे माह। राहु भी अपनी मित्र और उच्च राशि मिथुन में, उनका भी संचार चलता रहेगा। केतु की भी जो अपनी उच्च राशि धनु है उसमें भी इनका संचार इसी प्रकार चलता रहने वाला है। तो मित्रों यह था ग्रहों की स्थिति गोचर में, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। तो आइए अब आपके साथ चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में, और सर्वप्रथम आपकी जो हम बताएंगे व्यवसाय के विषय में बताएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय के विषय में। तो इस माह आपके कार्य क्षेत्र चाहे रोजगार हो या फिर व्यापार सामान्य ही चलता रहेगा। वैसे इस माह के मध्य तक आपका अपना व्यक्तित्व सभी के ऊपर छाया रहेगा, और इसी कारण से आप लोगों से कार्य अपने अनुसार कराने में सक्षम होंगे। लेकिन माह के मध्य तक सूर्य की स्थिति ठीक ना होने के कारण आपकी छवि किसी ना किसी कारण से प्रभावित हो सकती है, यानी खराब हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कोई ऐसा निर्णय ना लें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण आपको नीचा देखना पड़े या आपकी छवि खराब हो। आपको सभी के साथ अपना व्यवहार बहुत नम्र रखना है, बहुत अच्छा रखना है, तथा किसी के साथ कड़े शब्दों का भी प्रयोग नहीं करें, तो ये आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। तथा आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा इस बार इस माह। वैसे शनि की जो ढैया होने के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी कारणवश मानसिक कष्ट अवश्य रहने वाला है, लेकिन आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि जो भी चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं उनके कारण आपको किसी प्रकार की कोई हानि होने का योग यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है, ये एक अच्छी बात है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं वित्तीय स्थिति के विषय में। तो मित्रों इस माह के प्रथम सप्ताह के उपरांत आपको धन का आगमन पूर्ण रूप से रहने वाला है, लेकिन अचानक धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको कुछ ऐसे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं कि जिनके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन का संचय भी विशेष रूप से आप कर पाएंगे। प्रेम संबंध, इस माह आपके सितारे आपके ग्रह आपके प्रेम संबंधों को लेकर बहुत सहायक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सहायक मैं कह रहा हूँ। आप अपने प्रिय संबंधों मतलब अपने प्रेम संबंधों में सफलता तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही अगर भविष्य की योजना भी रखते हैं यानी कि विवाह आदि के विषय में, तो उसमें भी आप सफल
होने वाले हैं, सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, आपके संबंधों में किसी न किसी कारण आपस में आरोप और प्रत्यारोप भी होने के कारण मन अशांत रह सकता है। विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है माह के मध्य तक तो ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन उसके उपरांत थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति पैदा होती रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। संतान, इस माह आपकी संतान की शिक्षा प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर चाहते हैं कि परिणाम आपकी संतान के इच्छानुरूप या इच्छा के अनुसार ही प्राप्त हों, तो ये आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कठिन परिश्रम करना होगा संतान को, क्योंकि इस माह ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो यहाँ पर जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही फल प्राप्त आपको हो जाएगा, यानी कि संतान को। स्वास्थ्य, इस माह के मध्य तक स्वास्थ्य में कमी रहने वाली है, लेकिन उसके उपरांत स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। उपाय क्या किए जाएं? देखिए, उपाय तो ये है कि प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें स्नान आदि के उपरांत, और शनिवार के दिन सायंकाल को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि शनि की आपके ऊपर, जैसा कि हमने बताया, कि प्रभाव में हैं आप शनि के। शिक्षा प्राप्ति के लिए, संतान के लिए, ताकि उनको और अच्छे परिणाम प्राप्त हों, उसके लिए आपके संतान को एक माला कम से कम प्रतिदिन करना है। ओम भू बुद्धाय नमः, इसकी, इस मंत्र की, ओम भू बुद्धाय नमः। और एक मंत्र और बता रहे हैं, एक माला कम से कम डेली प्रतिदिन इसकी अवश्य करें आपकी संतान। ओम ऐं महासरस्वती नमः, ओम ऐं महासरस्वती नमः, ये दो मंत्र हैं, इनकी एक एक माला प्रतिदिन अगर आपकी संतान करेगी तो और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं शिक्षा में। तो मित्रों, यह था आप वृषभ राशि के जातक जो हैं उनका माह नवंबर का राशिफल। आपको ये पसंद आया है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएँ, ताकि जो भी हमारे आने वाले नए कार्यक्रम हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।